के साथ से यू 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 के साथ से कोना यहां पर है, यूके एलेक्स, यूके चाचा यहां पर है और रिबेल मिस्टर दक्ष 7FT ऑफिसर भी यहाँ पर है। बिल्कुल गाइज, तो आपको बताते हैं कि सामने से जो बंदे आ रखे हैं 7FT वाले, उन्होंने अपने 4 बेस्ट बंदे यहाँ पर भेजे हैं और जो चारों हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ खेलेंगे। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे हमारे चारों बंदे जो हैं वो रैंडमली ले लिया हमने, अहमद कोरो, अमेरिका और लिपॉक्स, चारों अलग अलग स्क्वाड के बंदे हैं हमारे चारों। तो फिर भी ये एक मैच किया जा रहा है, फ्रेंडली मैच उनके साथ, तो देखते हैं कि कैसा गेम प्ले दिखाते हैं सामने वाले बंदे और अगर वो अच्छा खेले तो उनका फिर मैच जरूर मेन लाइनअप से कराया जाएगा। तो वो बड़े मैंने बोली दिया भाई यार अब तो नहीं करवा पाऊंगा मैं, प्रॉब्लम सीआर राज यहाँ पर है और चलते हैं कुशवाहा के पास। कुशवाहा पूरा गोल करते हुए आता और हेडशॉट दिखा दिया, बहुत बढ़िया कुशवाहा है, जबरदस्त। एक बंदा नॉक कर दिया, मुझे नॉक हुआ है, लिपॉक्स को नॉक कर दिया। कोई की सिचुएशन यहाँ पर है, प्रणव को पड़ी है लेकिन यहाँ पर नॉक कर दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर किसने किया है तो देखते हैं, कोरो ने यहाँ पर हेडशॉट दिखाया बहुत जबरदस्त और 3v3 की सिचुएशन है, अब देखते हैं। अरे भाई कैप्टन का क्या खतरनाक डाटा देगा शॉट में, एक और नॉक। तो भाई चलते हैं फटाफट, अभी यहाँ पर कौन है, सिर्फ कुशवाहा अकेले बचे हैं और अपने बंदे को रिवाइव देने जा पाएंगे या नहीं बहुत मुश्किल है क्योंकि वो खुद भी थोड़ा सा डैमेज है। मैं भी खेलूंगा बिल्कुल, जो भी आएंगे तो फटाफट खेलिएगा और मैं बताना चाहूँगा तुम खेलोगे महाकाल भाई, चलिए पागल एमपी आपस में बात करें, कोई कस्टम खेलेगा बिल्कुल आप कस्टम खेलिए और लेकिन इस मैच के बाद जल्दी से आ जाइएगा फटाफट का। सो हे गाइज यार दिस इज़ माई फर्स्ट प्रमोशन, सो प्लीज़ यार जाके सपोर्ट कर देना इस चैनल को, वेन FFFF एंड थोड़ा सा डाउन चल रहा है चैनल, तो जाओ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना #U के साथ से। और थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। सो लेट्स गो बैक टू द वीडियो, लव यू ऑल। यूके कोरो के 2 किल, कैप्टन अमेरिका के 2 किल चुके हैं। आप चलते हैं तो यहाँ पर 7FT सुपरमैन थोड़ा सा होल्ड करते हुए, यानी कि थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर हेडशॉट दे दिया, यानी कि कैप्टन अमेरिका को एलिमिनेट किया गया। यहाँ पर चलते हैं फटाफट तो अहमद के पास, तो अहमद फिलहाल थोड़े से डैमेज हुए थे, कोरो ने यहाँ पर किल निकाल दिया, नहीं कोरो को तो एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर। सो राज, कुशवाहा एंड प्रणव तीनों के एक किल हो चुके हैं और देखते हैं अभी क्या लिपॉक्स और अहमद। तो यहाँ पर काफी बढ़िया हेडशॉट था लिपॉक्स की तरफ से, भाई ये गंजे वाला हैंगर खेल रहा है, नॉक। अब अहमद बचे हैं, बढ़िया पर यहाँ पर क्लच कर पाएंगे, नहीं बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि चारों बंदे, अब एक रिवाइव भी मिल चुका है तो 1v4 और सामने बंदे इतने मतलब अच्छे बंदे हैं तो 1v4 निकालना इतना आसान तो नहीं है। तो यहाँ पर मतलब बहुत बढ़िया हेडशॉट दिया यहाँ पर, जबरदस्त। 2 बंदे अहमद ने यहाँ पर नॉक कर दिए और स्प्रे हो गया यहाँ पर, अरे तो अहमद की तरफ चलते हैं। तो अहमद एक रोटेशन लेके, बंदा अहमद के सामने है, ओह यहाँ पर अहमद को हेडशॉट पड़ा भाई, बहुत बढ़िया हेडशॉट दिया गया था। तो 7FT कैप्टन अमेरिका देने कवर ऊपर से, कोरो मुझे लगता है जाएंगे, बिल्कुल कोरो को जाना चाहिए और अहमद को बचाना चाहिए, बिल्कुल कोरो यहाँ बचाएंगे क्योंकि कैप्टन अमेरिका ऊपर से कवर देते रहेंगे वहाँ पर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलते हैं लिपॉक्स के पास, तो लिपॉक्स ने भाई यहाँ पर कर दिया प्रणव का एलिमिनेट जिनके 3 किल थे। अहमद करेंगे फटाफट लेकिन कोरो एलिमिनेट हो गए। अब 3v3 की सिचुएशन आ चुकी है गाइस और कैप्टन अमेरिका ऊपर से किए जा रहे हैं फटाफट हेड पे हेड, लेकिन फिलहाल बॉडी शॉट से आया था उनका, लिपॉक्स को पड़ी, लिपॉक्स डैमेज, कैप्टन अमेरिका भी डैमेज है यहाँ पर और अहमद ने किल निकाल लिया। तो वैसे यहाँ पर सामने अब अकेले बचेंगे 7FT, सामने बड़ी मुश्किल है क्योंकि नीचे से भी ग्राउंड फाइट भी चल रही है और ऊपर सामने से आपने देख रहे होंगे कि सामने से लिपॉक्स ने हेडशॉट दे दिया, कैप्टन अमेरिका ऊपर से कवर दे रहे थे बहुत अच्छे से। यूपी भी यहाँ पर आते हैं, तो यूपी के भी सपोर्टर्स बहुत सारे आते हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से काफ़ी सपोर्टर्स उनके आते हैं, जब उनके मैचेस होते हैं तो उनके सपोर्टर्स भी यहाँ पर बहुत सारे आते हैं। कहाँ कहाँ के मैसेज दिखाई देते हैं चैट बॉक्स में। सो गाइस यहाँ पर लिपॉक्स तो पड़ी है, लेकिन एक बंदा सामने नॉक है, देखते हैं कौन नॉक है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर कुशवाहा नॉक पड़े, कुशवाहा को बचाया जाएगा, लेकिन सामने से एक बंदा कोई 7FT सुपरमैन काफ़ी दूर और 0 किल, फिलहाल कोई किल नहीं निकाल पाए हैं। और कैप्टन आप देख रहे होंगे ऊपर से कवर दे रहे हैं, लेकिन उनको बंदा बचाने जा रहा है 7FT को। जी हाँ बिल्कुल 7FT सुपरमैन को यहाँ पर मिल चुका है रिवाइव। और देखते हैं कैप्टन अमेरिका को यहाँ पर ऐड पड़ गया ऊपर, कोरो जाएंगे बचाने बिल्कुल कैप्टन को बहुत जल्दी जल्दी फटाफट। तब तक अहमद यहाँ पर कवर देंगे मुझे लगता है कोरो, पर बिल्कुल कोरो ने बहुत जल्दी जाके एकदम से कैप्टन अमेरिका को बचा लिया। ये ज़बरदस्त बात है कि देखिए टीम ये चारों अलग अलग बंदे हैं, यानी कि अलग अलग का मैं तो बताना चाहूँगा कि आपको स्क्वाड के बंदे नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि तुरंत कोऑर्डिनेशन तो चल ही रहा है उनका। एकदम से बंदे को जाने जा रहे हैं, अहमद वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, कैप्टन अमेरिका नीचे हैं लेकिन डैमेज हैं और नॉक। बचाने की कोशिश की जाएगी बिल्कुल, लेकिन कोरो बहुत जबरदस्त क्या हेडशॉट दिया यहाँ पर कोरो ने। कोरो क्या कर पाएंगे गाइस, देखते हैं 1v2 है, कोरो बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, 16-16 बंदे उनको देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि तो काफी सारे लोग आपने देखा होगा यहाँ पर ऑब्जर्व में भी थे और बड़े मियाँ के अलावा 14 बंदे और हैं यहाँ पर। तो देखते हैं भाई क्लच यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा, हाँ क्योंकि पड़ रही है और बहुत अच्छी वाली पड़ रही है, बहुत ही डैमेज हो चुके थे। और गाइस 2-2 के साथ यहाँ बराबरी, तो मैच देखने में कुछ अब वाकई में मज़ा आ रहा है। और HS किंग यहाँ पर आए, तो HS किंग गेमिंग का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। हाय लिखा है HS गेमिंग ने, HS गेमिंग मुझे पता है कि UK HS किंग जो अभी 1-2 दिन पहले इन्होंने गिल्ड ज्वाइन की है हमारी। तो गेमिंग सेवन ने भी मैसेज कर रहे हैं यहाँ पर कि हैश यू के साथ से, चारिजार्ड का भी मैसेज है हैश यू के साथ से। तो थोड़ा सा होल्ड किया जा रहा है यहाँ पर सुपरमैन की तरफ से, और कैप्टन को शिकार बनाने के लिए बिल्कुल उनका बिल्कुल सही सोचना है सीआर राज का, कि यार ऊपर से जो बंदा कवर दे रहा है उस बंदे को पहले लो। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वहाँ अंदर है पुनाव भी ऊपर चढ़े और पुनाव ने मुझे लगता है कि नॉक कर दिया कैप्टन को बिल्कुल। ओ हो 7FT सुपरमैन और प्रणव यहाँ पर नॉक, कैप्टन को तो नॉक नहीं किया था लेकिन काफ़ी डैमेज कर दिया था। कैप्टन की HP आप देख रहे होंगे 20-20 की HP बची थी कैप्टन की, और 2v2 मैच हो चला है। लेकिन ये क्योंकि लिपॉक्स वहाँ पर नॉक, अहमद और कैप्टन सामने सीआर राज और कुशवाहा, और सीआर राज को यहाँ पर पड़ गई है, सीआर राज यहाँ पर नॉक, कुशवाहा अकेले बचे हैं। तो देखते हैं कुशवाहा को भी पड़ी, कैप्टन अमेरिका छत में, और मुझे लगता है कि एक चीज है कि बढ़िया खेल रहे हैं ना, मतलब सामने वाले बंदे की मूवमेंट वगैरह कोऑर्डिनेशन वगैरह दिख रहा है अच्छे से, मतलब लग रहा है कि एक अच्छी स्क्वाड है, अच्छी स्क्वाड है बिल्कुल दिख रहा है गाइस। और 7FT eSports अभी गेम का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, और देखने से लग रहा है कि हाँ कोऑर्डिनेशन से बंदे खेल रहे हैं और अच्छा गेम प्ले भी दिखा रहे हैं, और मतलब अच्छा लग रहा है, और एक मैच अच्छा मैच देखने को यहाँ पर मिल रहा है। फर्स्ट ब्लड हो गया और एक बंदा और नॉक हो गया इनका सीआर राज। सुबह यहाँ पर 2v4 की सिचुएशन है, कुछ वहाँ थोड़ा इधर से उधर जा रहे थे, रोटेशन अच्छी ले रहे हैं, मूवमेंट अच्छी है, लेकिन 64 का हेड लगाया हमने सामने, रेड कलर की टी शर्ट में कोड हुआ है बिल्कुल 64, उनको डैमेज पड़ा है। तो कुशवाहा फिर दोबारा से रोटेशन लेते हुए, रोटेशन वगैरह सब कुछ ठीक है, मतलब अच्छा रोटेशन भी ले रहे हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है देखने में। ओ लेकिन यहाँ पर पड़ी, अब राउंड क्लियर हो गया गाइस। फॉक्स चलते हैं 7FT सुपरमैन, यहाँ पर ऊपर चढ़ेंगे बिल्कुल, देखिए गाइस तैयारी कर रहे हैं, और प्रणव ने बिल्कुल उनको हेल्प कर दी और बहुत अच्छी हाइट पे चढ़ गए हैं सुपरमैन, जो कि बहुत अच्छा एडवांटेज ले जाएंगे अब। और कैप्टन को पड़ी है सामने से बहुत अच्छी वाली, अनएक्सपेक्टेड पड़ गई कैप्टन को, क्योंकि कैप्टन को लग नहीं रहा था कि सामने ऊपर से भी कोई बंदा उनको डैमेज करेगा। कैप्टन यहाँ पर हिल करते हुए देखते हैं, चलते हैं सामने। तो कोरो वहाँ पर नॉक हो गई गाइज और बिल्कुल यहाँ पर एलिमिनेट। तो 3v4 की सिचुएशन अब आ चली है और देखते हैं कि 7FT और अच्छे से कवर देंगे। अच्छी हाइट पकड़ ली उन्होंने, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर अच्छा डैमेज दे दिया। ओके तो कोरो को भाई इस बार निपटा दिया। तो गाइस एनएफटी सुपरमैन आप देख रहे होंगे अपनी साइड से, बाकी तीनों बंदों के तीन मतलब 4-4 किल हो चुके हैं। सुपरमैन थोड़ा सा लेकिन फिर भी अपनी तरफ से वेल ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा डैमेज दिया यहाँ पर। सीआर राज थोड़ा सा होल्ड करते हुए और कुशवाहा आप देख रहे होंगे पोजिशन पकड़ी हुई अपनी, और प्रणव कुशवाहा और प्रणव आसपास ही है दोनों, चारों बंदे आप देख रहे होंगे आसपास ही हैं, कोई दूर नहीं है और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्रणव आप देख रहे होंगे कि थोड़ा इधर से उधर मूवमेंट करके देखने की यार बंदे कहाँ पर है, थोड़ा मौका मिले। और ऊपर वो सामने पता है कि कैप्टन ऊपर है, तो इसलिए वो थोड़ा इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं कि उनको मौका मिले कैप्टन को नॉक करने का। शौर्य बोल रहे हैं कि वो नल्ला है ना ब्रो। आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? वो नल्ला प्रेडेटर के लिए बोल रहा है। काकाशी हताके का मैसेज है कि हाय मैं अरहम हूँ। अरे अरहम काकाशी नाम से ये चेंज कर दिया क्या? तो लिपॉक्स भी वहाँ पर नॉक। 2v4 की सिचुएशन है, तो यानी कि अहमद और कैप्टन अमेरिका यहाँ पर है। अहमद नीचे है, अमेरिका मुझे लगता है ऊपर से कवर देंगे उनको, लेकिन डैमेज है काफ़ी और बढ़िया हेडशॉट। और अहमद को यहाँ पर जाके अभी बोलना चाहिए कि फटाफट रश मार देना चाहिए अहमद को नीचे से, और कैप्टन अमेरिका नॉक। गाइस बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन चारों तरफ से पड़ी। और रेहान का मैसेज है ईशू से मिला दो। तो ईशू से कैसा मिलना चाहते हैं रेहान, आप प्लीज़ मैसेज कीजिए कैसे मिलना चाहते हैं आपकी, मतलब उनको सामने से मिलना चाहते हैं या गेम में मिलना चाहते हैं, लॉबी मिलना चाहते हैं, कैसे मिलना चाहते हैं? अगर आप ईशू के आस पड़ोस में रहते हैं तो फिर तो आप खुद ही मिल लीजिए और वरना ईशू से बिल्कुल आपको मिलवाया जाएगा। ईशू आज ऑनलाइन नहीं है, लेकिन ज़रूर आप नेक्स्ट हमारी लाइव स्ट्रीम पर जरूर आइएगा। और आपने अगर UK 7 से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी जरूर कीजिएगा। और मे भी हो सकता है कि आप UK 7 से यहाँ पर आए हो, तो UK 7 से में हम लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं। दोनों चैनल्स की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर ऑन रखनी है, बेल आइकन जो रहता है उसको ऑन रखना है। कैप्टन भाई कब ऊपर चढ़ जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है यहाँ पर। और बंदे को नॉक कर दिया, कोरो मुझे लगता है कहीं क्लियर, और सामने दो बंदे नॉक हैं। तो सुपरमैन का यहाँ पर किल गाइस, जैसे कि मैं बात कर ही रहा था कि सुपरमैन के किल नहीं आ रहे, लेकिन आपने देखा होगा पहले एक ही किल था, लेकिन अब आप देखिए कि सुपरमैन के 4 किल हो चुके हैं। तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि बंदे बड़े में यार लगभग सारे ही ठीक हैं, ऐसा नहीं है, चारों अच्छे बंदे हैं। अच्छा खेल रहे हैं और ये ऐसा है कि थोड़ा सा हो सकता है हाइट का भी है ना, थोड़ा हाइट वगैरह का क्या ग्राउंड साइड भी उन्होंने पहले बताया नहीं वैसे, उन्होंने ग्राउंड साइड भी करना। और मैं जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ हार जाते हैं। हाँ, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बड़े में सामने वाले वो हाइट पे चढ़ नहीं रहे वैसे ना, उनको या तो आता ही नहीं है मे बी, पर अच्छा खेल रहे हैं जितना भी खेल रहे हैं भाई। लेकिन हाँ बिल्कुल, ये तो नो डाउट मैं कहना चाहूँगा कि देखो अभी भी 4-4 राउंड मतलब बराबरी कर ली उन्होंने, उनमें बहुत अच्छा गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो बंदे दोनों में खेलते हैं उनका गेम डिवाइड हो जाता है, मतलब उन्हें कभी होल्ड करके हाइट में जाना पड़ता है, कभी होल्ड करके ग्राउंड में जाना पड़ता है, इसी सोल है ना थोड़ा। तो यहाँ पर कुशवाहा नॉक हो गया गाइज, देखते हैं कि किसने उनको नॉक कर दिया। कुशवाहा बिल्कुल यहाँ पर नॉक पड़े हैं, एक बंदा और नॉक, लेकिन 2v2 की सिचुएशन। यहाँ पर उधर से भी दो बंदे नॉक और बिल्कुल बचाने के लिए आएंगे मुझे लगता है। अंदर से रिवाइव दिया जा रहा है, बिल्कुल कुशवाहा को यहाँ पर रिवाइव मिल गया है। कैप्टन अमेरिका मुझे लगता है उनको नॉक किया था, लेकिन अहमद कैप्टन अमेरिका और लिपॉक्स यहाँ पर है। सो 3v3 देखने को मिलेगा अब आपको 5वें राउंड में, मतलब कि 4-4 राउंड बराबरी हो चुकी है। 9th ये राउंड चल रहा है, सो लेट्स सी कि 9th राउंड कौन अपने झोली में डालने वाला है, यानी कि कौन अपने कब्जे में लेने वाला है इस 9th राउंड को। 4-4 राउंड दोनों बराबरी कर चुके हैं। सो 5th राउंड कौन सी टीम ले जाने वाली है लेट्स सी, क्योंकि क्या स्थिति बनी हुई है, मज़ा आ रहा है मैच देखने में गाइस, क्योंकि देखिए 4-4 से बराबरी भी हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे देखिए एक बंदा उधर से भी नॉक, एक बंदा इधर से भी नॉक, यानी कि 2v2, लेकिन रिवाइव मिल गया यहाँ पर। और ये देखिए किस तरह से नॉक। तो अब ये मैच हो चला है 1v3, तो 1v3 यानी कि अहमद अकेले है। बहुत बढ़िया, अहमद ने यहाँ पर नॉक निकाल दिया, लेकिन एक ही बंदे को पूरा मारने की कोशिश थी यहाँ पर अहमद की। या तो कई बार एम होता है कि एम लॉक हो जाता है सामने वाले बंदे पे, क्योंकि बगल में दूसरा बंदा आया था। अहमद ने कोशिश तो की होगी, बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ वो लोग खेल रहे हैं। और आप देखेंगे वहाँ पर सीआर राज जो है 9 किल निकाल चुके हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और कैप्टन अमेरिका आ रहे हैं आराम से यहाँ पर। हाँ बड़े में अब मैंने कहा अब ऊपर पूरा चढ़ना स्टार्ट किया, सुपरमैन ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से। अच्छा ठीक है, और जो ऊपर चढ़ने वाले कैप्टन है वो नीचे हैं। काफी कंपटीशन लेके थोड़ा सा कवर पे आए कुशवाहा और 7FT सुपरमैन। गाइस आप देख रहे होंगे पड़ी उनको, लेकिन हील कर लिया है सीआर राज। कुशवाहा एंड बिल्कुल अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली उन्होंने, कोऑर्डिनेशन के साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लिपॉक्स को यहाँ पर पड़ी है, कुशवाहा यहाँ पर जबरदस्त स्प्रे देते हुए। सो गाइस यहाँ पर एक बंदा कोई नॉक हुआ है, देखते हैं। 7FT, ओ माय गॉड, सुपरमैन पहली बार ऊपर चढ़े लेकिन नॉक हो गए वहीं पर। और कैप्टन अमेरिका ने किल किया, भाई उल्टा हो गया इस बार, कैप्टन नीचे सुपरमैन ऊपर। नहीं वैसे सुपरमैन चढ़े थे, पहले भी चढ़े थे बड़े में उसने ना, सबसे ऊपर वाली हाइट वाली छत में, वो कौन सा जगह होती है वो। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर अब गाइज आपको देखने को मिलेगा कि प्रणव यहाँ पर अकेले हैं और कैप्टन उनके सामने। तो प्रणव क्या यहाँ पर 1v3 की सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे क्या? एक बंदे को नॉक करेंगे पहले तो, ये देखते हैं। बहुत अच्छी मूवमेंट भी आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छी मूवमेंट है, लेकिन अब तीनों तरफ से पड़ेगी इसको, बहुत मुश्किल है यहाँ पर टिक पाना। बहुत अच्छा गेम प्ले, बिल्कुल बहुत अच्छा गेम प्ले। कल जरूर बनाएंगे आपके लिए फुल मैप, आप लोग के पास अभी टाइम है क्योंकि काफी टाइम हो भी चुका है। तो खेलना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो कल जरूर करवा लेंगे। आज का जो मैप देखो है फुल मैप के लिए, यहाँ पर पूरी पेज YT का मैसेज आया है, प्लेइंग गेमिंग YT का भी यस आया है, और उत्कर्ष गेमिंग ने बोला है, गेमिंग सेवन ने भी यस बोला है। ओके मैक्स स्टील तो बोल रहे हैं 6v6, ओके लिख रहे हैं हैकर भी, शौर्य भी यस बोल रहे हैं। तो चलिए जो भी यहाँ पर रेडी है तो ठीक है, आपको अपने फ्रेंड्स को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि गाइज मैं बताता हूँ कि 48 बंदे वहाँ पर पूरे करने पड़ेंगे आपको। तो आप अपने फ्रेंड लिस्ट से ज़रूर बुला सकते हैं। और तभी आपको बोलता हूँ कि यार लाइव को शेयर कर दिया करो, आप लाइव स्ट्रीम को जब शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं हमारी स्ट्रीम पे, और वो उनको भी मौका मिलता है, और हो सकता है कि आपका फ्रेंड ही आप जीत के ले जाए यहाँ से। तो सुपरमैन ने पकड़ी है ज़बरदस्त वाली हाइट, दोबारा से बड़े मिला, बिल्कुल अब यहाँ पे सही है। और कैप्टन आप देख रहे हो कि यहाँ पर ओम से लगा रहे एम, और कोशिश करेंगे सामने बंदा है नॉक तो सामने। ओहो ये क्या हुआ एकदम से, सबने अपने अपने खेल निकाले। और कभी बोलिए कि कई बार क्या होता है बंदे सामने से इमोट दिखाते हैं, फिर उसके बाद हार जाते हैं, उसके बाद यार गलत मतलब अपशब्द बोलेंगे उनको, अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करके चले जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। और ये एक फ्रेंडली मैच चल रहा है, और हमें आशा है कि सामने वाली टीम शायद ऐसा ना करे, क्योंकि जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा गेम प्ले, बहुत अच्छा खेली 7FT। अभी भी पलट सकते हैं ये लोग, कुछ जरूरी है जिस हिसाब का उनका गेम प्ले, वो अभी भी पलट सकते हैं, अभी भी भूया तक जा सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत जल्दी बचाना है उनको, मुझे लगता है सुपरमैन यहाँ पर बचा लिया बिल्कुल सीआर को। और यहाँ पर अब रश करा जाएगा इनके ऊपर, क्योंकि लिपॉक्स बिल्कुल स्प्रे मार रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पर, फिर दोबारा से एक बंदा नॉक, यानी कि 7FT सीआर राज को अब कर दिया गया एलिमिनेट। और गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो कुशवाहा बिल्कुल सही, यानी कि हीलिंग बैटल के चक्कर में। मुझे ऊपर देखते हैं कि कौन बंदा नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि लिपॉक्स कोशिश करेंगे, बिल्कुल अभी बहुत टाइम बचा है, तो मुझे लगता है कि बंदे नीचे जाएंगे और जाना चाहिए इनको, लेकिन कोई नहीं जा रहा है। पूरा खेल गया, लेकिन अभी नीचे देखते हैं कि नीचे का टाइम बचा नहीं बचा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज यहाँ पर बंदे जा चुके हैं, यानी कि आप देख रहे अहमद कूद चुके हैं, अहमद के साथ कोरो ऊपर है, कैप्टन नंबर के ऊपर है, और लिपॉक्स अहमद और लिपॉक्स दोनों नीचे गए हैं। और देखना पड़ेगा कि जोन कहीं और ना बन जाए, बिल्कुल यहाँ पर कुशवाहा अकेले। और मैच किसी के साथ खत्म, लेकिन बहुत अच्छा गेम प्ले था सामने की टीम का, यानी 7FT eSports बड़ा अच्छा खेली थी गाइस। जो भी यहाँ पर उनके बंदे यहाँ पर मैच को देखने आए थे, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत अच्छा गेम प्ले और बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपकी टीम ने, तो 7FT eSports का गेम प्ले हमें काफ़ी पसंद आया, अच्छा खेले वो लोग। 10 किल यहाँ पर सीआर राज ने निकाले थे सामने से, और 6-5-4, यानी कि टीम अच्छा खेली थी गाइज और 5-5 की बराबरी तक ले गई थी मैच को। बहुत अच्छा मैच देखने को मिला यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। एंड जो ये वीडियो थी वो ली गई है चाचा 23 गेमिंग की स्ट्रीम से, ये अपना सेकंड चैनल है, सो जाओ इसको भी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और वेन FFFF का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अब तक जितना भी आपने सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच उसके लिए भी। एंड आप लोग भी अगर हमसे 4v4 करना चाहते हैं लाइव स्ट्रीम पे, तो आप लोग भी आ सकते हो, काफ़ी सारे गिव अवेज होते हैं, सामने जीतने वाली टीम के लिए भी यहाँ पे गिव अवेज रहते हैं, सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छी अच्छी टीम्स यहाँ पे आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हराओ हमें, जीतो। और जिसको भी गिल ज्वाइन करनी है, डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, लव यू फॉरएवर।